हरदोई के सुरसा इलाके में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में किशोरी समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों के पास से मृतक का पर्स व अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। युवक की हत्या उसकी प्रेमिका की छोटी बहन के प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुरसा थाना इलाके के ओदरा नवलिया गांव में 10 जनवरी को एक युवक का शव पड़ा पाया गया था। उसकी चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या की गई थी। युवक की पहचान इसी थाना इलाके के इच्छनापुर निवासी सचिन पांडे के रूप में हुई थी। युवक के पिता रजनीकांत पांडे ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस हत्या के खुलासे के लिए एएसपी पूर्वी ज्ञानंजय सिंह व सीओ नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुरसा राजकरण शर्मा व उनकी टीम को लगाया गया था। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद जुटाई गई कड़ियों के अनुसार जब हीरा लाल निवासी सुरसा पंकज कुमार निवासी चमरोधा सुरसा व एक 15 वर्षीय किशोरी को हिरासत में लिया तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल लिया और हत्या के रहस्य से पर्दा उठा दिया। एसपी के मुताबिक मृतक सचिन के गिरफ्तार की गई किशोरी की बड़ी बहन से करीब 1 साल से अवैध संबंध थे। इसी बीच सचिन उसकी छोटी बहन से भी अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। इस बात की जानकारी जब किशोरी को लगी तो यह बात उसने अपने प्रेमी हीरालाल को बताई। हीरालाल ने जब यह बात सुनी तो वह आग बबूला हो गया और उसने सचिन की हत्या का प्लान बनाया। उसने अपने साथी पंकज को भी इसमें शामिल किया और फिर किशोरी से फोन करके सचिन को बुलवाया। सचिन के आने के बाद दोनों ने उसे पकड़ लिया और चाकू से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। दिनांक 10 तारीख को सचिन पांडे नाम की व्यक्ति की चाकू से गोद कर विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना सुरसा, सीओ सिटी तथा अन्य जनपद की पुलिस लगी हुई थी और इस घटना का पर्दाफाश किया जा रहा है। इस घटना में सचिन पांडे का एक लड़की के साथ अवैध संबंध था। बाद में उसने उसकी छोटी बहन जो है उसके साथ भी संबंध बनाने के लिए उस लड़की पर दबाव डालने लगा, जिससे कि जो छोटी बहन के साथ जो जिस लड़के की अच्छी बातचीत होती थी उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम कि हीरालाल है, उसने अपने दोस्त पंकज के साथ मिलकर तथा बड़ी बहन जो है उसके माध्यम से सचिन को बुलवाया और बुलवा के उसके बाद उस दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें हीरालाल और पंकज ने सचिन की हत्या कर दी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? इसमें जो है हीरालाल एवं पंकज की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा जो सचिन का जिस लड़के से संबंध था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने इस घटना में उन अभियुक्तों का साथ दिया था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।